हल्क वेनम, मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारी पावर्स को जान चुका हूँ, इसीलिए मुझे इस बार छोड़ दो। सो गाइस, ज़ोंबी किंग कॉन्ग ने लॉस सैंटोस में ज़ोंबी वायरस फैला दिया है, इसीलिए आज हमारे फ्रैंकलिन को एक मिशन पर भेजा जा रहा है जिसमें उसको एक ऐसा एवेंजर बनाना होगा जो कि इस ज़ोंबी किंग कॉन्ग को हरा दे। और ऐसा सुपर हीरो बनाने के लिए उसे कई एवेंजर्स का सीरम चाहिए होगा। तो क्या भाई लोग, हमारा फ्रैंकलिन आज के इस मिशन में कामयाब हो पाता है या फिर वो बीच में ही ज़ोंबी किंग कॉन्ग के हाथों मारा जाता है? ओके सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हम अपने न्यू एवेंजर को बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर देखो यार, ज़ोंबी वायरस अभी कितना ज्यादा फैल चुका है, इसीलिए यार मुझे ना अपने जल्दी से जल्दी किसी एवेंजर को पकड़ना पड़ेगा। और यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई लोग, हमें अपना पहला एवेंजर अगर हल्क मिल जाता ना तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलो यार, जहां तक मेरी डिजिटल वॉच बता रही थी, मुझे अपना पहला एवेंजर यही कहीं पर मिलना चाहिए। तो भाई लोग यार, मैं ना अभी एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि भाई लोग यहाँ पर ज़ोंबी मुझे तंग ना करे और मैं अपने पहले एवेंजर को यहाँ पर आराम से ढूंढ सकूं। तो चलो आज भाई लोग यार, देखते हैं शायद हमें अपना पहला एवेंजर यहाँ पर ही मिल जाए। अरे भाई लोग यार, वो क्या है? गाइस यार देखो, हमें अपना पहला एवेंजर यानी कि हल्क मिल चुका है। और भाई लोग यार, अगर हम अपने किसी भी नए एवेंजर को बनाएंगे तो भाई लोग यार, उसमें जो हल्क की पावर है ना यार, वो तो डलनी चाहिए। तो चलो यार, मैं ना अभी एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्पेशल स्नाइपर से हल्क को बेहोश कर देता हूँ, क्योंकि भाई लोग यार, जहां तक मैं जानता हूँ, हमारा हल्क हमें अपना सीरम नहीं देगा। तो चलो यार, अभी जल्दी से इसे बेहोश कर देते हैं। सो गाइस, 3, 2, 1, ये लो हल्क। अरे भाई साहब, गाइस यार देखो, हमारी स्नाइपर की मदद से हमने एक ही वार में हल्क को बेहोश कर दिया। तो चलो यार, आ जाओ अभी हम जल्दी से अपने हल्क को देखते हैं। तो यार कहां पर गया हमारा हल्क? यार यही कहीं पर गिरा था हमारा हल्क। अरे भाई साहब, गाइस यार देखो, हमारे एक ही वार से हल्क का अभी यहाँ पर क्या हाल हो चुका है। ओके सो भाई लोग देखो यार, अभी हमने अपने हल्क को सीधा कर दिया है और यार अभी ना ये थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा है, और इसीलिए यार जो हमारा हल्क है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो चलो भाई लोग यार, अभी हम जल्दी से इस हल्क का सीरम इकट्ठा कर लेते हैं। तो कहां पर गई मेरी स्पेशल गन? ओके सो गाइस यार देखो, ये रही मेरी स्पेशल गन जिससे कि हम हल्क का सीरम लेने वाले हैं। सो गाइस, 3, 2, 1, येलो हल्क। ओके सो भाई लोग, सक्सेसफुली हमने हल्क का सीरम ले लिया है। और यहाँ पर देखो भाई लोग यार, जो ये हमारा सीरम है ना, ये हल्क का सीरम है। और यार इसमें से ये इतनी पावर इसीलिए निकल रही है क्योंकि जो हमारा हल्क है ना, वो भाई लोग बहुत ही सुपर पावरफुल अवेंजर है, इसीलिए यार उसमें से इतनी एनर्जी निकल रही है। तो चलो भाई लोग यार, अभी मैं अपने स्पेशल ट्रक को यहाँ से लेकर निकलता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर अभी ज़ोंबी किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। तो चलो भाई लोग यार, देखो यहाँ पर ना ये ज़ोंबी है, तो यार मैं ना बिल्कुल आराम आराम से जाऊंगा। और यार ये जो मेरा ट्रक है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रक है, इसीलिए भाई लोग यार, इसे ना मैं किसी भी इलाके से ले जा सकता हूं। और भाई लोग यार, जो ये हमारे एवेंजर्स के सीरम होते हैं ना, यानी कि जो ये हमारा हल्क का सीरम है, ये बहुत ही भाई लोग स्पेशल सीरम होते हैं, क्योंकि यार ये ना हमें अपने अगले एवेंजर की लोकेशन बता रहे हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने इस हल्क के सीरम को लिया हुआ है ना, तो यार ये मुझे अभी अपने अगले एवेंजर की लोकेशन बता रहे हैं। तो चलो भाई लोग यार, अभी हम आपको मिलते हैं अपने अगले एवेंजर की लोकेशन पर। ओके सो भाई लोग यार, अभी हम काफी मडी एरिया में आ चुके हैं, यानी कि देखो यार यहाँ पर कितना ज्यादा कीचड़ है। और जहां तक मुझे अपना हल्का सीरम बता रहा था, हमें अपना अगला एवेंजर यहीं कहीं पर मिलना चाहिए। अरे 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 भाई साहब, गाइस यार देखो, यहाँ पर तो हमारा वेनम है। और भाई ये वेनम यहाँ पर क्या कर रहे है? अरे यार, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया है? ओके सो गाइस यार, अभी हमें अपना सेकंड एवेंजर मिल चुका है। और भाई लोग यार, जो हमारा वेनम है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अगर हम अपने न्यू एवेंजर को बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें यार इस वेनम की पावर तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो चलो भाई लोग यार, मैं ना अभी एक काम करता हूँ, मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, जिसकी मदद से भाई लोग ये वेनम मुझे देख भी नहीं पाएगा। तो चलो आ जाओ गाइस यार, अभी हम जल्दी से गायब हो जाते हैं। सो गाइस, 3, 2, 1, ओके सो भाई लोग देखो यार, अभी हम इनविजिबल हो चुके हैं। और यार आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यार अभी इस पूरे यूनिवर्स में मुझे सिर्फ आप ही देख सकते हो, और मुझे यार कोई भी नहीं देख सकता। इसीलिए देखो यार, अभी मैं इस वेनम के पास भी आ जाता हूँ ना, तो यार ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये मुझे अभी देख ही नहीं सकता है। और भाई लोग यार, ये यहाँ पर कर क्या रहे है? मुझे लग रहा है कि यार ये ना यहाँ पर कुछ शरारतें कर रहा है। और यार जैसे कि आप वेनम को जानती होगे कि यार ये बहुत ही शरारती है, इसीलिए देखो यार ये कैसी उठपटांग हरकत कर रहा है। तो चलो भाई लोग यार, अभी ना मैं एक काम करता हूँ, हमारा वेनम रेडिएशन से डरता है, तो भाई लोग यार मैं ना अपने मोलोटोव से इस वेनम को बेहोश कर दूंगा, जिसकी मदद से हम इसका सीरम ले पाएंगे। और भाई लोग, अभी आप देखना कि यार मेरे मोलोटोव से अभी क्या जादू होने वाला है। सो गाइस, 3, 2,
वन येलो वेनम। देखो भाई लोग यार, अभी ये वेनम कैसे तड़प रहा है, यानी कि इसकी जो कमजोरी है ना वो रेडिएशन ही है। और देखो यार, अभी हमने अपनी फायर की मदद से इसका क्या हाल कर दिया है। ओपी भाई लोग, देखो यार अभी हमने यहाँ पर जो फायर लगाई थी ना वो अभी बुझ चुकी है, और इसीलिए देखो यार जो हमारा अभी वेनम है ना ये अभी अनकॉन्शियस हो चुका है, यानी कि अभी इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसीलिए देखो यार ये ना थोड़ा थोड़ा तड़प भी रहा है। और भाई लोग देखो यार, हमारा जो वेनम है वो भाई कितना ज्यादा बड़ा है। और भाई लोग देखो यार, ये मुझे कैसे देख रहा है यार, इसके जो दांत है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और भाई लोग यार, अगर आप हमारे वेनम को देखोगे ना तो भाई लोग ये काफी ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए यार हम ना इसे जाइंट वेनम भी बोल सकते हैं। तो चलो आ जाओ भाई लोग यार, अभी हम ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इस वेनम के सीरम को लेते हैं। सो गाइज 3, 2, 1 येलो वेनम। ओके सो भाई लोग यार, अभी हमने अपने वेनम के सीरम को भी कलेक्ट कर लिया है। और भाई लोग देखो यार, हमारा वेनम कितना ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यार जो इसका ये सीरम है ना उसमें से देखो भाई लोग यार कैसे खून निकल रहा है। और यार इस चीज से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यार जो हमारा वेनम है ना वो बहुत ही पावरफुल अवेंजर है। तो चलो भाई लोग यार, अभी हम जल्दी से अपने ट्रक में चढ़कर इस जगह से निकलते हैं। ओके सो भाई लोग यार, अभी तक हमने अपने दो अवेंजर को पकड़ लिया है, लेकिन भाई लोग अभी यहाँ पर ज़ोंबी वायरस बहुत ही ज्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि भाई लोग देखो यार यहाँ पर कितने ज्यादा ज़ोंबी है। और भाई लोग यार, जो ये मेरा ट्रक है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वरना भाई लोग यार अभी तक तो ये ज़ोंबी मेरे ट्रक को भी खा चुके होते। तो चलो भाई लोग यार, अभी हमने अपने वेनम को भी पकड़ लिया है, और यार अभी जो हमारा वेनम का सीरम है ये मुझे यार अभी अपने तीसरे एवेंजर की लोकेशन बता रहा है। तो चलो भाई लोग यार, अभी हम आपको मिलते हैं अपने तीसरे एवेंजर की लोकेशन पर। सो गाइस यार, अभी हम अपने तीसरे एवेंजर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई लोग यार अभी यहाँ पर ज़ोंबी वायरस बहुत ही ज्यादा फैल चुका है, इसीलिए यार मुझे जल्दी से जल्दी इन ज़ोंबीज को मारना होगा। और भाई लोग यार, अभी तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, देखो यार वहां से भी अभी ज़ोंबी आ रहे हैं। मैं यार एक काम करता हूं, मैं भाई लोग यार इन सभी ज़ोंबीज को मार देता हूं, क्योंकि भाई लोग यार जो मेरी गोली है ना वो भी इन पर यार अभी असर नहीं कर रही है। देखो यार अभी जो मेरी गोली है ना उनसे भी यार ये उठकर खड़े हो जा रहे हैं, तो भाई लोग यार अभी मुझे सिर्फ इन्हें जलाना ही होगा। तो चलो यार, मैं ना अभी एक काम करता हूं, मैंने यार यहां पर ज़ोंबीज को तो मार दिया है, तो चलो यार यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर अपना तीसरा अवेंजर कौन सा मिलने वाला है। यार यहाँ पर कोई हमारा पावरफुल अवेंजर ही हो, ताकि यार हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू अवेंजर को बना सके। तो चलो यार यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा अवेंजर है। अरे 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 गाइस यार, ये क्या है भाई लोग यार, देखो यहाँ पर तो हमारे ग्रैंडफादर हल्क है। हेलो ग्रैंडफादर हल्क। हेलो फ्रैंकलिन। अरे ग्रैंडफादर हल्क यार, अभी तो तुम जानते ही होगे कि यार लॉस सैंटोस में अभी क्या हो रहा है। यार वहां पर ना अभी सभी तरफ ज़ोंबी ज़ोंबी है, और यार जो वो ज़ोंबी किंग कोंग है ना उसने यार अभी सभी तरफ ज़ोंबी वायरस फैला दिया है, इसीलिए यार मैं तुम्हारी हेल्प लेने आया हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन, मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे ग्रैंडफादर हल्क यार, अभी दरअसल ना मैं एक ऐसा अवेंजर बनाने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और इसीलिए यार मुझे ना उसमें तुम्हारे सीरम की जरूरत है। फ्रैंकलिन, अभी ज़ोंबीज़ ने भी मेरे एरिया में अटैक कर दिया है और मैं भी उनसे परेशान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना सीरम नहीं दूंगा। अरे ग्रैंडफादर हल्क यार, लेकिन तुम मुझे अपना सीरम क्यों नहीं दे रहे हो? फ्रैंकलिन, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें अपना सीरम नहीं देंगे। अरे ग्रैंडफादर हल्क यार, तुम्हें ऐसा कौन बोल रहा था? हमारे सब्सक्राइबर्स तो यार तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। फ्रैंकलिन, अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हमें पसंद करते तो वो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे गाइजर, आप सभी क्या कर रहे हो, आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या? गाइज यार, जो हमारे ग्रैंडफादर हल्क है ना वो यार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए यार वो ना हमें अपना सीरम दे भी देंगे, इसीलिए भाई लोग यार अभी ना आपको हमारी हेल्प करनी होगी। और भाई लोग यार, अभी हम जैसे काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे ना, आपको वन पर अपनी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी भाई लोग ये हल्क हमें अपना सीरम दे देंगे। सो प्लीज गाइज यार, हमारी हेल्प कर दो। गाइज, अगर आपको मैं यानी कि ग्रैंडफादर हल्क अच्छा लगता हूं और आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर को देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके सो गाइस यार, अभी तो हमारे ग्रैंडफादर हल्क ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया है, तो चलो भाई लोग अभी हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऑन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2,
1। ओपी भाई लोग यार थैंक यू सो मच, हम जान चुके हैं कि यार आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इसीलिए भाई लोग देखो यार जो हमारे ग्रैंडफादर हल्क है ना उन्होंने यार हमें अपना सीरम तो दिया ही है और उसके साथ यार हमें अपनी पावर्स भी कुछ देर के लिए दी है ताकि यार अगर मुझे कहीं पर बीच में ज़ॉम्बी मिल जाते हैं तो मैं उन्हें मार पाऊं। और भाई लोग देखो यार ये रहा हमारा ग्रैंडफादर हल्क का सीरम जो कि देखने में भाई काफी ज्यादा ओपी लग रहा है और यार इसमें से तो फ्लेम भी निकल रही है यानी कि इनकी एनर्जी आग की तरह है। तो चलो भाई लोग यार अभी हम अपने ट्रक में बैठते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ओके सो भाई लोग यार अभी तक हमने अपने 3 सबसे पावरफुल एवेंजर्स का सीरम इकट्ठा कर लिया है, लेकिन भाई लोग यार अगर हमें उस ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग को हराना है तो उसके लिए भाई लोग यार मुझे किसी एक लावा एवेंजर की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि भाई लोग यार जो ये ज़ॉम्बी होते हैं ना इनकी पावर लावा में काफी कम हो जाती है। तो चलो भाई लोग यार अभी हम देखते हैं कि हमें अपना लास्ट एवेंजर कौन सा मिलने वाला है जिसकी मदद से हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनाएंगे। ओके सो गाइस यार अभी हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अभी हमें अपना चौथा एवेंजर यहीं पर ही मिलने वाला है, लेकिन भाई लोग देखो यार यहाँ पर अभी कितने ज्यादा ज़ॉम्बी हो चुके हैं और यार यहाँ पर तो अभी कोई एक भी नॉर्मल इंसान नहीं दिख रहा है। तो चलो यार अभी मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और भाई लोग यार अभी मुझे यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से अपने दूसरे एवेंजर को देखना होगा। अरे 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 यार ये क्या है? अरे भाई साहब गाइस यार अभी हमें अपना यहाँ पर लास्ट एवेंजर मिल चुका है और यार ये तो एक लावा वेनम है। भाई लोग यार अभी हम पीछे बोल रहे थे ना अगर हमें कोई लावा एवेंजर मिल जाता है तो यार ये हमारे लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। और भाई लोग देखो यार अभी हमें यहाँ पर अपना लावा वेनम मिल चुका है। तो चलो भाई लोग यार अभी हमें जल्दी से जल्दी इसे शूट करना होगा क्योंकि यार अगर इसने मुझे देख लिया ना तो यार ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। सो गाइस 3, 2, 1 येलो लावा वेनम। ओपी भाई लोग यार अभी हमने यहाँ पर अपने लास्ट लावा वेनम को भी पकड़ लिया है और देखो भाई लोग यार अभी यहाँ पर ये इंजर्ड हो चुका है इसीलिए ये हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो चलो भाई लोग यार अभी हम जल्दी से इसका भी सीरम ले लेते हैं, लेकिन यार उससे पहले इस लावा वेनम को देखो यार ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो चलो आ जाओ भाई लोग यार अभी हम इसका भी सीरम लेते हैं। सो गाइज 3, 2, 1 ओके सो भाई लोग यार फाइनली अभी हमने अपने सभी एवेंजर्स का सीरम इकट्ठा कर लिया है यानी कि देखो यार यहाँ पर हमारे वेनम का सीरम है, यहाँ पर हमारे हल्क का सीरम है, यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर हल्क का सीरम है और आखिर में हमारे लावा वेनम का सीरम है। और भाई लोग यार मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पर यार हमारे 3-हेडेड जायंट हल्क को भी हमने यहाँ पर बुला लिया है क्योंकि भाई लोग यार अभी हम एक न्यू एवेंजर को बनाना चाहते हैं ना इसके लिए भाई लोग यार हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है इसीलिए हमने यहाँ पर अपने 3-हेडेड जायंट हल्क को बुला लिया है। तो चलो आ जाओ भाई लोग यार अभी हम अपने न्यू एवेंजर को बनाते हैं। रुको रुको फ्रैंकलिन, तुम्हें अपने न्यू एवेंजर को बनाने से पहले तुम्हें ये कंफर्म करना होगा कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने अपनी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वरना ये तुम्हारा सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। अरे गाइस यार आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है ना? गाइस यार देखो अगर आप अभी न्यू एवेंजर को देखना चाहते हो ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना वरना भाई लोग यार हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो चलो आ जाओ भाई लोग यार अभी हम अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और 1 पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनते हैं। सो गाइस 3, 2, 1 अरे भाई लोग यार ये क्या? गाइस यार देखो अभी हम हल्क वेनम बन चुके हैं। अरे भाई साहब गाइस यार देखो अभी हम दिखने में यार कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और भाई लोग देखो यार अभी हमारे जो ये चारों सीरम थे ना इनकी एनर्जी भी अभी खत्म हो चुकी है इसलिए यार इनमें से ये पावर नहीं निकल रही है, लेकिन भाई लोग यार मैं देखने में भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। गाइस यार इसमें ना अभी 4 सुपर हीरोज हैं यानी कि 2 हमारे हल्क और 2 वेनम और इसीलिए भाई लोग यार अभी हम इतने खतरनाक वाले सुपर हीरो बने हैं। तो चलो भाई लोग यार अभी हम आपको अपने न्यू एवेंजर की पावर दिखाते हैं। ओके सो गाइस यार अभी हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इसीलिए भाई लोग देखो यार अभी हम कितनी ऊंची जंप मार पा रहे हैं। ये देखो गाइस यार इतनी ऊंची जंप तो हमारे हल्क और ग्रैंडफादर हल्क ही मार सकते हैं इसीलिए यार अभी हम इतनी ऊंची जंप मार पा रहे हैं। और अभी देखो भाई लोग यार अभी ना मैं आपको भागकर भी दिखा रहा हूँ और देखो यार मेरी स्पीड भाई लोग कितनी ज्यादा है। गाइस यार जो हमारा न्यू एवेंजर है ना ये सच में भाई लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और देखो यार अगर मैं कहीं पर भी जंप कर रहा हूँ ना भाई लोग वहां पर देखो यार कितना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। तो चलो यार अभी ना यहाँ पर ये एक ट्रक है हम इसे उठाकर देखते हैं। अरे भाई साहब
गाइस देखो हम कितने बड़े ट्रक को भी उठा पा रहे हैं। ओके सो गाइजर अभी हम अपने हल्क की एक और पावर टेस्ट करने वाले हैं। तो यार देखो मैंने यहाँ पर अभी जंप की और यार अभी ना मैं यहाँ पर एक एटॉमिक स्लैम मारने वाला हूँ। देखो भाई साहब यार देखो अभी हमने ना ऊपर से जंप करके नीचे एकदम फोर्स लगाया ना, तो देखो यार ये नीचे ना पुलिस वैन थी, ये भी देखो भाई लोग किस तरीके से ब्लास्ट हो गई है। ओके सो गाइस यार अभी हमने यहाँ पर अपने हल्क की पावर को तो टेस्ट कर लिया है लेकिन हमने अपने यहाँ पर वैनम की पावर को टेस्ट नहीं किया है, तो चलो यार अभी हम वैनम की पावर को भी टेस्ट करते हैं। अरे भाई साहब गाइस यार देखो अभी यार मैं यहाँ पर किस तरीके से वेब स्विंग निकाल रहा हूँ। गाइस यार आपने आज से पहले ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं देखा होगा जो कि यार हल्क हो और वो वेब स्विंग निकालता हो। भाई लोग यार आपने आज से पहले कोई ऐसा सुपर हीरो देखा है जिसमें कि हल्क हो और वो वेब स्विंग निकालता हो? यार ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो चलो भाई लोग यार यहाँ पर ना ये एक काफी ओसम जीप है, हम इस पर अपनी पावर टेस्ट करके देखते हैं। अरे 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 यार ये क्या था भाई लोग यार मैंने अपनी स्पाइक से देखो यार यहाँ पर इन कार का क्या हाल कर दिया है। यार ये एक चलती हुई कार है, तो चलो यार देखते हैं कि हम इस पर अपनी स्पाइक्स मार पाते हैं या फिर नहीं मार पाते हैं। अरे भाई साहब गाइस यार जो हमारा न्यू सुपर हीरो है ना ये सच में यार काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर का अंदाजा यार आप अभी लगा ही सकते होगे। ओके सो गाइस यार आज की इस वीडियो में हमने अपने न्यू अवेंजर को बनाया है और यार इसकी जो ये पावर है ना ये सच में काफी ज्यादा ओपी है। तो भाई लोग यार आप मुझे जल्दी जल्दी एक बार कमेंट में ये बताओ कि यार आपको हमारा न्यू अवेंजर कैसा लगा। और गाइस यार अगर आप मेरी और जायंट ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग की फाइट देखना चाहते हो तो भाई लोग यार जल्दी जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, क्योंकि जो इन दोनों की फाइट होने वाली है ना वो भाई लोग बहुत ही ज्यादा एपिक होगी। सो गाइस यार अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और यार मुझे ये भी बताना कि यार आपको हमारा न्यू एवेंजर कैसा लगा। सो गाइस यार अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से यार एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि हम जब भी इस वीडियो का पार्ट 2 लाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसीलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो।